नमस्ते साथियों, मैं आकाश बिश्नोई, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मदबापुर, विकासखंड कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद में कार्यरत हूँ। जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, उस विद्यालय में 3 वर्ष पूर्व आया था, और इस विद्यालय में जब मैं आया था और मेरा स्टाफ आया था, तो हम लोगों ने पाया यहाँ की भौतिक प्रवेश और बच्चों की संख्या और बच्चों का शैक्षिक स्तर तीनों ही अच्छे लेवल पे नहीं है। धीरे धीरे हम लोग अब यहाँ आए तो विद्यालय का कुछ कायाकल्प प्रोग्राम भी चालू किया, साथ साथ में बच्चों की शैक्षिक स्थिति को इम्प्रूव करने का कार्यक्रम भी चालू किया। इस पीरियड में बच्चों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ, साथ में गवर्नमेंट का भी सहयोग हमारे विद्यालय को काफ़ी प्राप्त हुआ। विद्यालय का लेवल 5 स्टार का दर्जा इसको प्राप्त हुआ और साथ ही विद्यालय इंग्लिश माध्यम में बदल दिया गया। फलस्वरूप हमारे विद्यालय की संख्या जो पहले करीब 65 थी, आज की डेट में इसकी संख्या 222 पहुंच गई है। इस पीरियड में हम लोग अरविंदो सोसाइटी ZIIE पाठशाला इनोवेटिव पाठशाला के संपर्क में आए। इस ZIIE पाठशाला के संपर्क में आके हम लोगों ने बच्चों को कुछ इनोवेटिव माध्यम से पढ़ाने का तरीका सीखा। वे बच्चे जो पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते थे, पठन पाठन में जिन्हें मानक शब्दों को समझने में मुख्य समस्या आती थी, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें मानक शब्द दिए गए हैं और बच्चों का जो ग्रामीण प्रवेश है उसमें उन मानक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, फलस्वरूप बच्चों के जो लर्निंग लेवल था, लर्निंग स्किल थी, वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी। इनोवेटिव पाठशाला के संपर्क में आके श्री अश्विनी जी के मार्गदर्शन में हम सब ने ये सीखा कि कैसे बच्चों के अंदर ग्रामीण प्रवेश की भाषा से अलग हटके मानक शब्दों के साथ उनको जोड़ा जाए। विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से, जिसमें फैमिली ट्री बनाना सिखाया गया, किस तरीके से बच्चों को रिश्तों की समझ पैदा की जाए, इसके अलावा अटेंडेंस के टाइम पे बच्चों से किस तरीके से नए नए वर्णमाला अक्षर या उनके नाम, उनकी अटेंडेंस उस रूप में पुकारी जाए और बच्चे उसके प्रत्युत्तर में अपनी अटेंडेंस दें, तो ये इनोवेटिव मेथड था। बच्चों ने उसमें रुचि ली। इन गतिविधि आधारित टीचिंग मेथड से मुझे अरविंदो सोसाइटी के इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम से काफी लाभ हुआ। फलस्वरूप बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ था और अभी इस COVID-19 के दौर में व्हाट्सएप के मीडियम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और साथ ही साथ मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से बच्चों में इन गतिविधियों को प्रयोग करना भी हमने सीखा कि बच्चों को कैसे इन गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, ताकि बच्चे विद्यालय फ्यूचर में, जो कि संभवतः मार्च में खुल जाएगा, बच्चे विद्यालय भी आए और हम लोगों ने इन पद्धतियों का इम्प्लीमेंट करके उन बच्चों में शैक्षिक स्तर को भी काफ़ी इम्प्रूव किया। मैं आशा करता हूं भविष्य में मुझे इससे और लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद अश्विनी जी, धन्यवाद अरविंदो सोसाइटी।